ये जापान के किसी पोर्ट में या चाइना के किसी पोर्ट में, या पता नहीं चाइना में चलता भी है एलसी के, नहीं चाइना में शायद। देखो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है ये बंदा। अरे यार ये गाड़ी पोर्ट पे खड़ी है, ठीक है, लैंड क्रूजर वाइट। बाय पापा, स्कूबी कहाँ है? ओए ओए, तू क्या अपना बिस्तर छोड़ के इधर आ गई? सही है, सो जा तकिया लेके। पहले मेरे को लगता था ना कि मेरे घर में सबसे पैम्पर्ड चाइल्ड मैं हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा, मतलब आपको पता भी नहीं है उतना ज्यादा पैम्पर्ड हूँ। बट अब मुझे लगता है ना कि भाई स्कूबी स्कूबी सबसे ज्यादा पैम्पर्ड है, उसको सबसे ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है। चलो स्टार्ट करते भैया गाड़ी, आज थोड़ा लेट हो गया है और आपको एक कहानी बतानी है बहुत तगड़ी। ये कहानी बताने का मेन रीज़न पता है क्या है? जो मेरे साथ होने वाला था ना, वो आपके साथ ना हो या किसी और के साथ भी ना हो, तो वो कहानी बतानी है भाई। चलते गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करते, कोल्ड स्टार्ट। कल रात में 3 बजे हमने एक गाड़ी की डिलीवरी की, वो शायद व्लॉग आपने देख लिया है। 3 बजे रात में, मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मेरे दिल से करीब वो फोर्ड एंडेवर जिसको हमने डिलीवर किया। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, वन ऑफ द सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से 2 गाड़ियां हैं, और उसमें से एक गाड़ी एंडेवर थी और एक फॉर्च्यूनर है जिसको हम अभी कुछ दिन में डिलीवर करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही मज़ा आया। मतलब मैंने गाड़ी चलाई, इतने देर तक सर के साथ बैठे रहे, इंटरेक्शन होता रहा, वो सारी चीज़ें ना मिला जुला के बहुत ही अच्छा था, ओवरऑल वेरी गुड। और वो चीज़ कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हाँ, सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिलहाल निकल गए ऑफिस के लिए। अब वो कहानी बताने से पहले ना मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली उस कहानी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप चैनल पर पुराने तो आपको पता होगा कि हमने, मेरे पास टोटल 5 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से मैंने थार एंड बेलेनो सेल कर दी है। थार और बेलेनो को सेल करने का प्राइमरली ये रीज़न था कि बेलेनो की जगह कोई शायद नई गाड़ी आए, या फिर वेन्यू जो कि बिल्कुल नहीं चल रही है उसको हम चलाएं, क्योंकि उस पर भी हमने 15 लाख रुपए लगाए थे। और दूसरा थार मैच चला नहीं रहा था। अब चला नहीं रहा था तो फिर गाड़ी डिप्रिशिएट करती रहती है, तो भाई किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो गाड़ी लेके चलाए। अब ये तो हुआ मेन बेसिक स्टोरी। इसके साथ साथ मैं एक और गाड़ी सेल करने का प्लान कर रहा हूँ, और उसके रिप्लेसमेंट में मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ लैंड क्रूज़र LC 300। देखो जी, जिसको पता है उसको पता है कि लैंड क्रूज़र LC 300 एक ऐसी गाड़ी है ना जो कि रोड पे बहुत ज़्यादा रेयर है। आपको डिफेंडर, जी वैगन वगैरह फिर भी दिखती है, LC इतनी ज़्यादा रेयर गाड़ी है ना कि भाई लोग उस पर मुँह मांगा प्रीमियम मांगते हैं। जब भी आपको LC आप सर्च करने जाओगे ना, वो नई गाड़ी, आप पुरानी गाड़ी, यूज्ड गाड़ी, 10,000, 12,000, 5,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको नए गाड़ी के प्राइस से ज़्यादा में मिलेगी, और ये है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि उस गाड़ी को सर्च करने के प्रक्रिया में हमने बहुत जगह बात की, बहुत जगह अभी भी बात चल रही है, ठीक है, फुल फ्लेज्ड बात चल रही है। अगर आज कल मुझे गाड़ी मिलती है तो मैं परसों गाड़ी लेके आ जाऊँगा, मतलब ये कंडीशन है फ़िलहाल अभी। तो मुझे बस गाड़ी जो मुझे चाहिए वो मिल जाए ताकि मैं अपना नंबर उसमें ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो अगर आप में से कोई भाई जिसका कोई कॉन्टैक्ट है, या जिसके जिसका कोई नोन है जो टोयोटा में है, और वहाँ से अगर हमें LC मिल सकती है, चाहे इंडिया के किसी कोने में मिले, किसी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी कोने में, मैं वहाँ से गाड़ी ले आऊँगा। और इसी प्रक्रिया में हमने OLX पे सर्च करना स्टार्ट किया भैया। हाँ, बहुत बार अनरजिस्टर्ड गाड़ी भी आपको मिल जाती है। अब OLX के प्रक्रिया में क्या हुआ कि हमें बहुत सारे नंबर मिले जिसपे हम बात करते। एक नंबर मिला हमें हैदराबाद का, MD Cars, ठीक है, MD Cars, ठीक है। अब भैया वो उसने LC की फ़ोटो डाली हुई थी, नंबर था, मैंने कॉल किया, हाँ जी कैसा हिसाब किताब है? कह रहा है भैया आपको गाड़ी दे दूंगा 190, मतलब 1,90,00,000 में नई गाड़ी दे दूंगा इम्पोर्ट करा के। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई, मेरे को तो भाई भानुमती का पिटारा हाथ लग गया, मतलब 190 में गाड़ी मिल रही है और यहाँ पर साला 2.5 करोड़ में पुरानी मिल रही है। मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा भैया लोन का क्या, क्योंकि भैया इतने पैसे तो है नहीं तो लोन तो लेना ही पड़ेगा गाड़ी में। तो भैया कह रहे हैं कि 85% एडवांस।
उसके बाद 25 दिन के अंदर गाड़ी मंगाएंगे, उसके बाद 15% आप देख लो इंश्योरेंस वेंश्योरेंस, उसके बाद आपका लोन होगा। मैंने कहा है गाड़ी ले लूंगा, इंश्योरेंस करा लूंगा, रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, फिर लोन होगा। कह रहे भैया ऐसा ही होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एडवांस कहाँ डालना है जी? कह रहे मेरे अकाउंट में, मेरे कंपनी के अकाउंट में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका कोई वेबसाइट? भाई आप इतने बड़े। कह रहे भाई ये गाड़ी डिलीवर कर दी, वो गाड़ी डिलीवर कर दी, 3 महीने में 3 LC डिलीवर कर दी, ये वो बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा भाई बंदा बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने कहा सर आप ना अपनी गाड़ी, जो आपका इतना बड़ा बिजनेस है आपका, ऑफकोर्स वेबसाइट होना चाहिए यार। मैं एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहा हूँ, एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज है, एक प्रॉपर वेबसाइट है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, वेबसाइट दे दो। भाई ने मुझे फॉरवर्ड किया, क्या पता है? इंस्टाग्राम का लिंक, जहाँ पे वाई के फॉलोअर्स थे करीबन 3-1 हज़ार, जिसमें से जेन्युइन कितने थे फेक कितने थे नहीं पता, और भाई फॉलो कर रहा था एक को भी नहीं। चलो भाई ओनर मतलब जे को, अरे भैया आ घुसेड़ दो और लगा दो ना दीदी रोड के ऊपर। बहुत सही बहुत सही। रुक जा, ये देख रहे हो? ये बताए क्या, कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से, उधर एक दीदी थी, इधर एक ऑटो वाले भैया थे, कह रहा प्लाट खरीद रखा है का, नींद में है का? मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप 85%, 2 करोड़ का 85% आप कैलकुलेट कर लो, उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो और उसके बाद फिर देखा जाएगा 25 दिन में गाड़ी। मैंने कहा अच्छा लक्ष्मी चीट फंड, 25 दिन पैसा डबल। भाई ये इतना तगड़ा फ्रॉड है ना। अब मान लो मैंने उसको 1 लाख टोकन अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिया, 50,000 कर दिया, भाई वो बंदा वापस नहीं आने वाला। उसने, उस बंदे ने मुझे ना फ़ोटोज़ भेजी, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ या यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। आप देखो एक नॉर्मल LC की फ़ोटो है, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी की अलग अलग फोटोग्राफ उठा के उसने मुझे भेज दी। कुछ गाड़ी के पीछे तो कंटेनर, वो अच्छा वो दुबई से इंपोर्ट कर रहा था, कह रहा भाई दुबई से गाड़ी इंपोर्ट कर दूंगा। मैंने कहा बहुत सही गुरु, दुबई में तो गाड़ी का स्टेयरिंग उस साइड होता है, मेरे को तो इस साइड चाहिए, रजिस्टर ही नहीं होगी। कह रहा कहीं भी रजिस्टर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा अच्छा। इसी सबसे समझ में आ गया था भैया को कुछ नॉलेज था नहीं। और जो कुछ फोटोज है ना भैया, उसमें कंटेनर के पीछे ना जापान में कुछ लिखा हुआ है, चाइनीज में कुछ लिखा है। मैंने कहा अच्छा ये तो इंटरनेट से फोटो उठा रहा है। फिर उसकी प्रोफाइल पे गया, भाई गोल्फ कोर्स रोड, मेरा ऑफिस है ना वहाँ पे, एक ना कार का सेकंड प्री ओन्ड कार का शोरूम है, उसके बाहर की गाड़ी की फोटो, मतलब आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हो ना आपको सामने दिख रहा है यार। अबे क्या भगचोंदर आदमी था वो जो हमारा काटने की कोशिश कर रहा। अब ये पूरी कहानी बताने का इसमें मैं एक क्लिप डालता हूँ अभी, आप पहले वो क्लिप देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा था। 85% पेमेंट देना पड़ेगा, 85% और 25% आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस होगा देना पड़ेगा। तो फिर जो पेमेंट जाएगी वो किसके अकाउंट में जाएगी, आपके में जाएगी या फिर ये टोयोटा का ही है? हाँ जी टोयोटा का अकाउंट होगा। क्या बोले क्या? टोयोटा का ही अकाउंट होगा या फिर किसी और कंपनी का अकाउंट होगा? नहीं नहीं मेरा खुद का MD कार है ना, मेरा खुद का रहेगा भाई। अच्छा आप खुद का रहता है आपका? हाँ हाँ। भैया मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? 85% मैं पेमेंट दूंगा, आप पे ट्रस्ट कैसे? 85% ऑफ 2 करोड़। नहीं हम बॉन्ड बनाएंगे ना, आप देखिए आपके हिसाब से करिए, हम तो 2000 पैसे इसी में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा तो आपने कितनी गाड़ियां इम्पोर्ट की अभी तक? आपके पास डिटेल्स तो होंगी, तो डिटेल्स भेज दो आपको हम एक बार, हम थोड़ा अपना हिसाब से देख तो ले कि क्या है क्या नहीं है। आप डिटेल्स भेज दो ना, जो भी गाड़ी आपने इम्पोर्ट किया उनके डिटेल्स भेज दो एक बार। बहुत सारी की भैया, तो भेजो ना डिटेल्स। कोई एक LC, कोई भी LC की भेज दो, ऐसी गाड़ी की भेज दो जो इंडिया में इम्पोर्ट आपने की है और उसका सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, 2 गाड़ियों के भेज दो। बहुत सारे की अभी देखिए, मैंने 3 गाड़ी मुंबई में दिया हूँ। कौन सी? LC दिया हूँ। LC तो हाँ, तो LC उन गाड़ियों को एक बार डिटेल्स आप मेरे को एक बार भेज दो प्लीज इसे नंबर पे। नहीं वैसे नहीं है, वो शेयर
शेयर नहीं कर सकते भाई, वो पर्सनली रहता है किसी का भी मतलब। तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप गाड़ी मंगा दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे। कोई इशू नहीं है मुझे, ऐसा कोई इशू नहीं। क्या है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इशू नहीं है तो मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ ना कि हम भी तो पेमेंट दे देंगे आपको, बट हम ऐसे कैसे पेमेंट दे देंगे? आपने बोला कि हम आपके एक बार बोलने से पेमेंट दे दे, फुल पेमेंट दे दे भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपने आपको आपकी मेरा तो ये कंडीशन है, आप करना है तो करिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओके भैया, थैंक यू सो मच। बाबू जी फॉरवर्ड कर रहे हैं तुम्हारे साथ, 85% पेमेंट दे दो, 25% बाद में देंगे, और उस 25% में कुछ भी नहीं होने का। वो 25% लेगा ही नहीं, कह रहा बॉन्ड बनेगा कंपनी के नाम पे। किस चीज का कंपनी है? हाँ भाई, वो तो मैं बॉन्ड तो मैं भी बनवा रहा हूं। किसके अकाउंट में जाएगा कंपनी का? कौन सी कंपनी है? ट्वेंटा के में जाएगा? नहीं, मेरी खुद की कंपनी है, कंपनी का रजिस्टर तो है नहीं। हाँ, ये फ्रॉड है। बैंक का? इंडियन बैंक है। हाँ, इंडियन बैंक है, जो भी हो, लेकिन ये फ्रॉड है। इंडियन बैंक का बता रहा? हाँ, इंडियन बैंक नहीं, मतलब इंडिया का बैंक। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाहर फॉरेन के बैंक नहीं, वो तो बाद में यही करते हैं पहले। भाई तो सीन क्या है ना कि हम एक गाड़ी खोज रहे थे और गाड़ी ना इंडिया में अभी हमें मिल नहीं रही है, तो हम ना कोशिश ये कर रहे हैं कि हम गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करें। अब इंपोर्ट के लिए ना बहुत सारे लोगों का एक बार पूछ कर रहा है आपको, कैमरा आपने नंबर कैसे निकाला? ऑनेस्ट बोलियो भाई। नंबर मैंने OLX से निकाला। अच्छा। लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं किए। सुन तो लो, 12 साल भाभी सुन तो, एक सुन लो कि आपने नंबर निकाला OLX पे, तो OLX पे आपने लिखा क्या था? गाड़ी का नाम लिखा था। अच्छा, और उसमें फिर आया इनका कॉन्टेक्ट। हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत से आए। मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई DSA, अगर कोई DSA है और जिसको कोई लैंड क्रूजर वगैरह टाइप की गाड़ी, इस टाइप की गाड़ी अगर है किसी के पास, और या फिर अरेंज करवा सकता है या कुछ है, तो उस टाइप का चीज खोज रहा हूँ मैं। खोज रहा था तो भाई, तो ये है MD कार्स हैदराबाद, ठीक है, ये भाई का नंबर है और ये भाई ने मेरे को फोटो भेजी। अब जब फोटो भेजी ना, तो ये देखो, सबसे पहले तो ये फॉरवर्डेड फोटो है, चलो मेनी टाइम्स फॉरवर्ड हो सकता है। यहाँ पे इस फोटो को मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये पोर्ट पे खड़ी है गाड़ी, ये गाड़ी पोर्ट पे खड़ी है। अरे यार, ये गाड़ी पोर्ट पे खड़ी है, ठीक है, लैंड क्रूजर वाइट, ठीक है, सब चीज़ सही है। और ये भाई ने कहा कि दुबई पोर्ट से आएगी, दुबई से आएगी गाड़ी। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। मैंने फिर ना फोटो ऐसे स्क्रॉल की, फिर मैंने यहाँ पे जूम किया, हाँ मैं बैंक में था भाई, यहाँ पे जूम किया, ये देखो, ये दिख रहा है दुबई में चाइनीज़ चल रहा है। ये जापान के किसी पोर्ट में या चाइना के किसी पोर्ट में, या पता नहीं चाइना में चलता भी है LC के नहीं, चाइना में शायद चलता भी नहीं होगा, ये जापान के किसी पोर्ट में। भाई ने कहा, भाई ने इंटरनेट से फ़ोटो उठाई और मेरे को चेप दी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो ये ऊपर दिख रहा है, ये ब्लू स्ट्रिप पे, ये सऊदी में ऐसे आपको बहुत सारे बोर्ड नज़र आते हैं। तो भाई ने ये भेजा, फिर मैंने कहा कि भाई आपका कोई इंस्टाग्राम पेज होगा, वो भेजो ज़रा, कोई सोशल मीडिया। भाई ने कहा, मैंने कहा भाई बड़ा डीलर है तो डेफिनेटली बड़ा बड़ा कुछ करता होगा। भाई का ये इंस्टाग्राम पेज था, ठीक है, अहमद खान खान यूज्ड कार ये। और भाई देखो, 0 फॉलोइंग, 211 पोस्ट और 3000 इतना फॉलोअर्स। अब भाई ने ना जो फ़ोटो डाली है ना भाई, अगर आप गुड़गांव से हो ना तो बताओ ये पोस्ट, ये फ़ोटो कहाँ की है ना? ये भाई यहाँ पे ना, ये गोल्फ कोर्स रोड का ना सर्विस रोड है, और ये यहाँ पे, अरे रुक जाओ मेरे गुरु, ये गोल्फ कोर्स रोड का ना मेट्रो स्टेशन वाला जो लाइन चलता है ना वो है। ये भाई एक प्री ओन्ड शोरूम है, ठीक है, भाई ने उसकी कोई फ़ोटो निकाल के यहाँ पे लगा के वो भेज दी। और इसी तरह भाई ने जितनी भेजी ना, जितनी, ठीक है, सब किसी ना किसी की गाड़ी की भेजी, ठीक है। भाई का कोई गाड़ी नहीं है, ये देखो यहाँ पे, तो भाई ये देखो, ये देख रहे हो ऑडी प्लस, मतलब ये पूरा फेक प्रोफाइल है भाई, पूरा का पूरा ऑडी अप्रूव्ड, हाँ पूरा फेक। चलो कोई नहीं भाई, ये है भाई का प्रोफाइल। अब देखो, लैंड टोटल लैंड क्रूजर 1,98,00,000, 1,90,00,000 में बात हुई थी। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा डिस्काउंट मैं भाई प्रोफाइल पे गया। अब ये देखो MD यूज्ड कार्स, अब इसमें जो लैंड क्रूजर है ना, देखो भाई ने क्या क्या फोटो डाल रखी है, कैडिलैक, पता नहीं शेवरले, ये वो, ये है लैंड क्रूजर, ठीक है, 0 किलोमीटर, गाची बावली, ये हैदराबाद में। अब देखो मोस्ट ऑफ द ना 19 दिसंबर जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है ना भाई का, सबसे नीचे जाते हैं वो दिखा रहा है भैया 5 दिसंबर से पहले, एक 17 अक्टूबर, उसके बाद 5 दिसंबर से भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया लगता है, क्योंकि इससे पहले तो भाई के कोई पोस्ट ही नहीं है ना, या तो ये प्रोफाइल नहीं है। तो भाई ऐसा समझते हैं कि दुनिया में इनके अलावा सारे चलाक हैं, भाई बेवकूफ़ है ना। तभी तो भाई ऐसे भेज रहे हैं। अब देखो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है ये बंदा। इस पूरी कहानी को बताने का तात्पर्य ये है ना,
कि भाई ऐसे किसी भी फ्रॉड में मत फंसो। आपने बहुत बार यूट्यूब पे किस्से देखे होंगे कि भाई मोबाइल फ़ोन, मैं आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे बेचना है, ठीक है, मेरा कार्ड ये है, और लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, 4-5-10 हज़ार कुछ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, भाई मैं कुरियर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई वो कभी पैसे वापस नहीं आते। तो OLX पे जितने जेन्युइन लोग हैं ना, उससे ज़्यादा फॉर्ज लोग हैं। फॉर्ज मतलब फॉर्ज समझ रहे हो, फॉर्ज, हाँ वही जो आप मन में सोचे ना, जो आपका वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बचो। देखो गाड़ी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या प्लान है अपना, कौन सी गाड़ी का प्लान है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर जस्ट इन केस अगर आप ये देख रहे हो और आपके नोन में कोई गाड़ी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, या फिर आपका कोई सोर्स है, आप कोई DA से, मैं मतलब अभी ना फ़िलहाल मैं ना बहुत रिग्रेसली गाड़ी सर्च कर रहा हूँ। हमारा दुबई जाने का भी प्लान इसलिए था क्योंकि वहाँ पे हम लेक्सस की एक गाड़ी एंड LC 300 का प्लान कर रहे थे, कि कुछ प्लान कर रहे थे। अभी दुबई वाला तो थोड़ा पोस्टपोन हुआ है क्योंकि ऑफिस पे बहुत ज़्यादा लोड है यार, बट होपफुली कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड 2024 में आपके गाड़ी का केबिन ना बहुत अलग दिखेगा। ये तो खैर BMW है, बट एक गाड़ी जिस पे हम रिकॉर्ड किया करेंगे, ठीक है, वो बहुत अलग दिखेगा। अरे क्या कर रहा है भाई, आज क्या हो रहा है यार लोगों को, भाई बीच में गाड़ी रोक दी, लड़ाई कर रहे हैं, ये देख रहे हो पीछे बीच में गाड़ी दोनों रोक के, भाई आज चटक गए हैं क्या सब, हैं क्या है भाई, उधर बस वाला लड़ाई कर रहा है, इधर ये लड़ाई कर रहे, हम हो कर अब तो हम हो कर अब।